ये है दिल्ली दर्पण। यूनाइटेड फेस्टिवल 2018 बीता तो अपने पीछे कुछ सुहानी और कुछ कभी ना मिटने वाली यादें भी छोड़ गया। वो यादें जो डीएवी को याद दिलाती रहेंगी कि वो कितनी बड़ी ताकत है। वो यादें जो हर डीएवियंस को ये गर्व महसूस कराती रहेंगी कि जिस शिक्षण संस्था में वो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो कितने महान लोगों को जन्म देने वाली है। ये वो यादें हैं जिसे डीएवी से जुड़ा हर शख्स कभी भूलना नहीं चाहेगा। 3 साल पहले जो सपना मनोज मित्तल ने देखा उसे प्रेसिडेंट पूनम सूरी और डॉक्टर निशा पेशेंट को दिखाना और फिर एक मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करना वाकई किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन डीएवी की सिखाई जिद और चुनौतियों से लड़ने वाली सीख मनोज मित्तल के इरादों को मजबूत करती चली गई। सपने को साकार करने की रूपरेखा तैयार हुई तो डीएवी के सभी स्कूल से सहयोग मिलने का सिलसिला चल पड़ा और डीएवी यूनाइटेड होकर एक महाशक्ति बन उभरा और दुनिया को डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल 2018 को एक शानदार और सफल आयोजन दे गया। इस फेस्टिवल को सफल बनाने के पीछे डीएवी की कई टीचर्स की कड़ी मेहनत छुपी है और इसी को देखते हुए इवेंट को सफल बनाने के लिए टीचर्स को थैंक यू किया गया। अशोक विहार स्थित कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में चल रहा ये थैंक यू इवेंट भी उसी का हिस्सा है। इस तरह थैंक यू आयोजन में टीचर्स को सम्मानित कर डीएवी मैनेजमेंट ने बता दिया कि उनके लिए हर वो शख्स सम्मानित है जो डीएवी के लिए समर्पित है। इस थैंक यू इवेंट में खुद निशा पेशिन मौजूद रही, उनके अलावा डीएवी के कई प्रिंसिपल भी मौजूद रही। टीचर्स, हमारे एलुमनाई, हमारे प्रिंसिपल्स, तो हमें ये लगा कि हमें एक बार उन सब के साथ मिलके उनको एक बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो आपने किया उस बगैर ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था हमारा करना। ये इवेंट जो है ये आप बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। 80,000 के करीब 3 दिन में लोग आए हैं और ये जो इवेंट का श्रेय जाता है वो मैनेजमेंट को तो जाता ही जाता है, बट इसके पीछे जो टीचर्स ने काम किया है तो ये थैंक्स गिविंग जो है ये बहुत बड़ी, मतलब मैं कहूँगी कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ी बात है। प्राउडली हम कह सकते हैं कि हमारे टीचर्स मेहनत करने से कभी घबराते नहीं हैं। वो बहुत अच्छा टीम स्पिरिट दिखाते हैं और उन्होंने करके दिखा दिया कि कोई भी काम जो है वो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है जिसको हम नहीं कर सकते। या इवेंट वाज वेरी बिग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर स्कूल की टीचर्स में वो दम है, वो एबिलिटी है कि वो इतने बड़े इवेंट को भी बड़ी कंफर्टेबली कैरी ऑफ कर सकती हैं। एंड डीएवी के टीचर्स में तो ज़्यादा दम है। जैसे वो होता है ना एक जर्नी कि सब ने मिलकर जाना है दिल्ली, चलो ये वो वाली जर्नी थी कि सब लोग मिलके आए और एक ही टाइम पर एक ही जगह पर सब ने मिलकर इसको सफल बनाया। स्कूल की टीचर्स में इतनी हिम्मत है कि वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, जो देश का भविष्य बना रही हैं, जो देश को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नेता, अभिनेता और सीएस, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स दे रही हैं, जो पूरे नेशन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह के फेस्टिवल्स करना हमारी एजुकेशन का पार्ट है। इस इवेंट को अपनी मेहनत से सफल बनाने वाले कुछ लोगों से दिल्ली दर्पण टीवी ने बात की और जाना कि आखिर ये इवेंट कितना सफल रहा और कितना परिश्रम इसमें लगा। फैशन को लेकर फर्स्ट टाइम किसी चीज का अटेम्प्ट करना और वो भी इतने सक्सेसफुल तरीके से, मेरे ख्याल से लाजवाब था। ये शायद टीम वर्क था, यहाँ के टीचर्स की मेहनत थी जो उन्होंने हमारा साथ दिया, यहाँ के बच्चों की मेहनत थी। डीएवी यूनाइटेड की जहाँ बात है कि इतना बड़ा ग्रुप है आपको पता ही है और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ, जो हमारे प्रोग्राम के लिए मेन था कि सब एक यूनिट में आए, एक यूनिटी हो, स्ट्रेंथ हमारा दिखाया जाए, क्या क्या कलाकार, कैसे कैसे एलुमनाइज हमारे यहाँ हैं वो बताया जाए, तो वो
बहुत अच्छी तरह बताया गया, इट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग, बहुत ही सुंदर। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो और एज अ टीचर ऑल्सो, कि यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एलुमनाई के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिस एक्चुअली इट वाज अ यूनाइटेड फेस्टिवल। डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल का सपना जिन मनोज मित्तल और उनके साथियों ने देखा, उन्होंने इस इवेंट के बारे में क्या कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये डीएवी यूनाइटेड 2018 जो था, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत सक्सेसफुल हुआ। और इसमें हम सब ने जो एक चीज़ ऑब्जर्व करी, वो हमने ऑब्जर्व करी पावर ऑफ यूनिटी। अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं इवेंट में ही हूँ। मैं अभी भी सुबह उठता हूँ तो ऐसे लगता है कि नहीं, भागना है, तैयारियाँ करनी है, स्टॉल्स वाले आ रहे हैं, वेंडर्स आ रहे हैं, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट में हूँ, हैंगओवर अभी उतरा नहीं है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब मनोज भैया ने मुझसे फर्स्ट डे इवेंट को शेयर किया था। मैं और मनोज भैया दोनों ही इकट्ठे ग्रफ फेस्ट में गए थे और उन्होंने जब ग्रफ फेस्ट में हम बैठे हुए थे और हम घूम रहे थे, तो जब उन सब चीज़ों को वो, मैं उस दिन को वापस से रिलेट करता हूँ, तो मेरे को तो दिखता है कि हम ग्रफ फेस्ट से भी 3 गुना बड़े थे और उसका तो अब ग्रफ फेस्ट वालों को हमें देखना होगा। ये तो शुरुआत है, अभी तो ऐसे और लोगों को थैंक यू करना बाकी है जो डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल को सफल बनाने के पीछे अपनी ढेर सारी मेहनत लगाए बैठे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा का विषय अब ये है कि अब ये फेस्टिवल कब और कहां होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर